स्टूडेंट्स वेलकम टू यूवीएन क्लासेस। जैसा कि हमारा टॉपिक क्लास टेंथ का मैथ्स रियल नंबर हमने स्टार्ट किया था, ओके उसके फाइव क्वेश्चन हमने कर लिए थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स एंड सेवन, लेट्स स्टार्ट। देखो यहाँ पे आपको टू एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, सेवन मल्टीप्लाई इलेवन मल्टीप्लाई थर्टीन प्लस थर्टीन, और ये सेवन मल्टीप्लाई सिक्स मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई वन प्लस फाइव। हमें बताना है कि जो टू हमें दिए हुए हैं ये कंपोजिट नंबर्स हैं या नहीं है, ये हमें प्रूव करना है कंपोजिट नंबर हैं ये, ओके। तो देखिए कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, देखो कंपोजिट नंबर वो होते हैं कोई भी ऐसा नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो, ठीक है। जैसे देखिए क्या होता है कि वो खुद के टेबल में आए और वन के टेबल में आए, इसके अलावा वो किसी और के टेबल में भी आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल फोर है तो फोर फोर के टेबल में भी आएगा, वन के टेबल में भी आएगा और टू के टेबल में भी आएगा। तो इसके जो फैक्टर है वो टू से ज्यादा हुए, ठीक है। तो जिसके टू से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, लगभग थ्री या थ्री से भी ज्यादा होते हैं, तो वो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं, क्लियर। उसे हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखिए हम इस टर्म को नोट करेंगे, यहाँ पे सेवन मल्टीप्लाई इलेवन मल्टीप्लाई थर्टीन प्लस थर्टीन। अब आपको देखो इसमें इस चीज को एक मानना, देखिए मल्टीप्लाई में जो है और प्लस के बाद वाली चीज को हम एक मानेंगे, ठीक है, क्लियर। तो इन दोनों में से हमने कॉमन लेना है। कॉमन हम कैसे लेते हैं कि हमें ये देखना है कि ऐसा नंबर वो कौन सा है जो दोनों में सेम आ रहा है। देखिए इस टर्म में भी थर्टीन आ रहा है और इस टर्म में भी 13 आ रहा है, तो हम 13 को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, ओके। जब हमने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखिए 7 मल्टीप्लाई 11, यहाँ 13 का 1 हो जाएगा, तो 13 यहाँ पे हम कुछ राइट नहीं करेंगे क्योंकि ये फिनिश हो गया, क्योंकि इसको हमने कॉमन ले लिया। अब प्लस के बाद जब 13 को करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1, ओके क्लियर। 13 हमने कॉमन लिया, जब हमने इसको इससे सॉल्व किया 7 11 और 13 ये चला गया इससे और देन 1 आ गया, क्लियर। अब हमें इसको देखना है 13, इसके अंदर वाला पार्ट हमें सॉल्व करना है 11 7 जा 77 प्लस 1। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे 13 और ये क्या हो गया 77 और 1 78 हो गया, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे इसके टू फैक्टर्स तो आ रहे हैं, अब हम जो 78 है इसके हम क्या कर लेंगे, फैक्टर्स कर लेंगे। लुक हियर 78 के फैक्टर्स करते हैं हम, टू से स्टार्ट करके, टू थ्री जा सिक्स टू नाइन जा 18, फिर थ्री से थ्री वन जा थ्री 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 जा 9, उसके बाद देखिए 13 आ गया, 13 से ही जाएगा, 13 वन जा 13, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 हम राइट कर सकते हैं। तो देखिए नीचे 13 मैंने राइट किया और ये जो चीज आई इसको मैंने यहाँ ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 राइट कर दिया। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे, देखो ये 1 2 3 4 जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो 2 से ज्यादा हैं, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हों, 3 या उससे ज्यादा हो, तो हम उसको क्या मानेंगे, कंपोजिट नंबर मानेंगे, ओके। सो यहाँ पे हम नीचे लिखेंगे द गिवन एक्सप्रेशंस आर, देखिए यहाँ जो हमें गिवन एक्सप्रेशंस दिए हुए क्या 13 2 और 3 2 13 3, ओके ये यहाँ पे इसकी गिवन एक्सप्रेशन है। सो इट इज कंपोजिट नंबर्स, ओके। तो ये क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर्स हो जाएंगे, क्लियर। यहां पे देखिए 2 से ज्यादा आगे थे तो 1 2 3 लगभग 4 के करीब आ रहे थे, तो इसलिए क्या हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर्स बोलेंगे, ओके। अब देखिए इसी का सेकंड पार्ट, इस चीज को हम यहां पे नोट कर लेंगे, ओके इसको हमने नोट कर लिया। अब देखो यहां पे भी टू टर्म्स हैं, एक तो प्लस से पहले की देखिए सारी मल्टीप्लिकेशन वाली है और एक ये है, तो अब हमें इन दोनों में कॉमन देखना है, ठीक है। तो इन दोनों में आपको कॉमन दिख रहा होगा,
देखिए फाइव फाइव यहाँ भी आ रहा है, फाइव यहाँ भी आ रहा है, तो हमने फाइव को क्या ले लिया, बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, जो सेम आ रहा है। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, जो बाकी नंबर रह गए। देखिए सेवन मल्टीप्लाई सिक्स, यहाँ फाइव नहीं आएगा क्योंकि फाइव को हमने कॉमन ले लिया। फोर थ्री टू वन प्लस, अब ये फाइव बन जाए फाइव, यहाँ भी क्या आ जाएगा वन आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, इनका मल्टीप्लीकेशन करना है। जब यहाँ तक आप इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1008 प्लस वन। ओके, ये आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, जब हम इसे प्लस करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 1009 आ जाएगा। जब ये 1009 आया तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए जब हम 1009 का करेंगे तो इसके जो फैक्टर्स निकलेंगे, तो देखिए तो यहाँ पे 1009 आया। अब इसके साथ मैं मल्टीप्लाई वन भी राइट कर सकता हूँ, कर सकते हैं इस पे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए यहाँ भी टू से ज्यादा आ रहे हैं ना, तो हम लिख देंगे द गिवन एक्सप्रेशंस हैज 5, 1009 and 1 factors, so it is composite number। तो ये भी क्या हो जाएगा, कंपोजाइट नंबर्स हो जाएगा। ओके, तो आप यहां पे ये चीज ध्यान रखनी है कि जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे तो वो क्या हो जाएगा, कंपोजाइट नंबर्स हो जाएगा। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 7, लेट्स रीड। देयर इज अ सर्कुलर पैथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक 12 मिनट फॉर द सेम। ये कह रहा है कि एक सर्कुलर फील्ड है, ठीक है, एक सर्कुलर फील्ड है और जो सोनिया है वो उसके राउंड लेने में, यानी राउंड लेती है, एक राउंड लेने में वो 18 मिनट्स लगाती है। हम मानते हैं कि जैसे यहाँ पे सोनिया इसका एक राउंड लगाने में कितने मिनट लेती है, ये सोनिया लेती है 18 मिनट्स लेती है, ठीक है। फिर कह रहे रवि, जो रवि है वो भी इसी का राउंड लेने के लिए 12 मिनट्स लेता है, मतलब सेम ही अगर हम रवि की बात करें तो रवि क्या लेता है, 12 मिनट्स लेता है, रवि क्या लेता है 12 मिनट्स। ओके, सोनिया 18 मिनट्स लेती है, रवि 12 मिनट्स लेता है। आगे देखिए फॉर द सेम, ठीक है, मतलब सेम ही राउंड करना है इनको। और सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, अगर आप सपोज करो कि दोनों ने सेम पॉइंट से स्टार्ट किया, मीन्स जैसे कि यहां से इन्होंने स्टार्ट किया, ये पॉइंट ले लेते हैं हम, यहां से स्टार्ट किया एंड एट द सेम टाइम, और सेम टाइम पे ही स्टार्ट किया, मतलब दोनों साथ में ही चले एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, मीन्स अगर सोनिया इस साइड जा रही है तो रवि भी इस साइड ही जा रहा है। ओके, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कितने मिनट्स बाद वो जिस पॉइंट से चले थे वहां पे, मतलब किसी पॉइंट पे जाके वो मिलेंगे, तो ये हमें बताना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे सोनिया लेती है 18 मिनट्स और रवि लेता है 12 मिनट्स, तो हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे 18 और 12 का, ठीक है। तो देखिए पहले हम 18 और 12 के फैक्टर्स निकालेंगे, तो देखिए 18 राइट किया यहाँ पर, 12 राइट किया आपने। अब देखिए 18 का जब हम यहाँ पे फैक्टर्स निकालेंगे, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, तो क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इसी तरह से हम 12 का भी निकाल लेंगे, देखिए 12 का निकालने के लिए 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। क्लियर, ये इनके फैक्टर्स आ गए। तो एलसीएम के लिए हम क्या करते थे, एलसीएम निकालने के लिए हमने क्या करते थे, पहले तो जो सेम था वो ले लेते, देखिए 2 2 सेम आ रहे हैं यहाँ वन टाइम राइट कर लिया, फिर 3 3 सेम आ रहे हैं यहाँ वन टाइम राइट कर लिया, उसके अलावा ये 2 और 3 बच रहे हैं ये भी लेते हैं हम, ठीक है, 3 एंड 2,
तो आप इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2 3 6, 6 3 18, 18 2 36। तो देखिए यहाँ पे हमारा एलसीएम आया 36। इट मीन्स हमारा यही आंसर है कि वो एक जब वो किसी पॉइंट पे मिलेंगे तो 36 मिनट बाद मिलेंगे। कितने मिनट बाद मिलेंगे? 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो हम लिखेंगे सोनिया एंड रवि मीट एट द आफ्टर 36 मिनट्स, कि जो रवि और सोनिया है वो मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे 36 मिनट के बाद मिलेंगे। ठीक है, तो हमने यहां पे सिर्फ एलसीएम लिया और एलसीएम लेने के बाद जो हमारा आया 36 मिनट्स, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि वो 36 यहां पे पॉइंट पॉइंट ले रहे थे अपने, तो यहां पे वो मिलेंगे 36 मिनट के बाद। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर हमारी एक्सरसाइज 1.2 जो है वो फिनिश होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक्सरसाइज 1.3 के साथ। थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।